देख रहे हैं फैक्ट्स टीवी। नास्त्रेदमस, एक ऐसे भविष्यवेत्ता जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज तक उनकी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानेंगे हम आज के स्पेशल वीडियो में। बट गाइस, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के नीचे आपको रेड कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा गाइस, जल्दी से कर लीजिए उसको प्रेस और उसके बाद जो ऑप्शंस आ जाएंगे गाइस उसमें से ऑल वाले बेल को कर लीजिए प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल के सारे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके आपके अपने मोबाइल हैंडसेट पर। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारा आज का स्पेशल वीडियो, जिसमें आप जानेंगे नास्त्रेदमस और उनसे जुड़ी भविष्यवाणियों से जुड़े तथ्य। फैक्ट नंबर 1, 16th सेंचुरी में फ्रांस में एक ऐसे शख्स हुए थे जिनका ये दावा था कि वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। इनका नाम था नास्त्रेदमस। फैक्ट नंबर 2, 1555 में द प्रोफेसीज नाम से नास्त्रेदमस की एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें इनकी 942 भविष्यवाणियां थी। फैक्ट नंबर 3, नास्त्रेदमस ने अपनी बुक द प्रोफेसीज के प्रोफेस में ये लिखा है कि उनकी भविष्यवाणियां आज से लेकर साल 3797 तक है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों को साल 3797 तक ही क्यों लिखा। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर विश्वास रखने वाले लोग ये कहते हैं कि ये जो स्पेसिफिक ईयर नास्त्रेदमस ने मेंशन किया है, इससे उनका इशारा दुनिया के अंत की तरफ है। यानी हो सकता है कि नास्त्रेदमस ने ये दुनिया के अंत की तारीख लिखी हो। फैक्ट नंबर 4, अगर हम इतिहास में देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये कि नास्त्रेदमस ने जो बुक लिखी थी उससे ठीक 5 साल पहले फ्रेंच भाषा में ही भविष्यवाणियों के बारे में एक और बुक पब्लिश हुई थी। इसे लिखने वाला फ्रांस का ही एक रिचर्ड रोसेट नाम का शख्स था। इस बुक में दुनिया के अंत की जो तारीख लिखी है वो है साल 2242। अब इसका नास्त्रेदमस से क्या कनेक्शन है? आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नास्त्रेदमस ने अपनी बुक के प्रोफेस में लिखा था कि उनकी भविष्यवाणियां आज से लेकर साल 3797 तक है, और इसी साल नास्त्रेदमस की बुक पब्लिश हुई थी। अगर हम 3797 में से 1555 को माइनस करते हैं तो जो संख्या हमारे सामने आती है वो चौंका देने वाली है, क्योंकि वो ये है 2242, यानी कि वही जो दूसरी फ्रेंच बुक में लिखी है। हो सकता है कि दुनिया के अंत की तारीख के रूप में नास्त्रेदमस ने साल 2042 की तरफ इशारा किया हो। फैक्ट नंबर 5, कहा जाता है कि नास्त्रेदमस अपनी भविष्यवाणियां घुमा फिरा कर पहेलियों के रूप में लिखा करते थे। फैक्ट नंबर 6, नास्त्रेदमस के सपोर्टर्स ये दावा करते हैं कि नास्त्रेदमस ने कई बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पहले से ही लिख दिया था, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और 1911 अटैक के बारे में। जबकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि नास्त्रेदमस ने आम तरह की घटनाओं पर भविष्यवाणियां की थी, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, लड़ाइयां, हमले और महामारियां। ऐसी घटनाएं इतिहास में हमेशा से ही होती रहती हैं। फैक्ट नंबर 7, नास्त्रेदमस अपनी भविष्यवाणियों को कविताओं के रूप में लिखा करते थे और रहस्यमय तरीके से लिखते थे। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नास्त्रेदमस के सपोर्टर्स नास्त्रेदमस द्वारा लिखी गई लाइंस को उल्टा सीधा करके अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं और उनको भविष्य की घटनाओं के साथ जोड़ देते हैं, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। फैक्ट नंबर 8, नास्त्रेदमस अपनी भविष्यवाणियों को 4 लाइंस की कविताओं के रूप में लिखा करते थे, जिसे क्वाट्रेन या हिंदी में चौपाई कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि रामायण में लिखी गई हैं। फैक्ट नंबर 9, नास्त्रेदमस की जिंदगी से जुड़े कुछ रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि नास्त्रेदमस ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी डर में गुजारी। उसे इस बात का डर था कि कैथोलिक चर्च उसके प्रोफेसी के काम को धर्म विरोधी मानकर उसे सजा न सुना दे, लेकिन नास्त्रेदमस के लिए खुशी की बात ये रही कि उस जमाने में ना तो एस्ट्रोलॉजी को और ना ही प्रोफेसी के काम को धर्म विरोधी माना जाता था। सिर्फ एक ही वजह से वो खतरे में पड़ सकते थे कि अगर वो अपनी भविष्यवाणियों के सही होने का दावा करने के लिए कुछ मैजिक प्रैक्टिस करते। फैक्ट नंबर 9, बहुत से लोग ये मानते हैं कि नास्त्रेदमस के पास ना तो कोई सुपरनेचुरल पावर थी और ना ही कोई ऐसी पावर जिससे वो फ्यूचर देख सके, बल्कि वे पास्ट में हो चुकी घटनाओं को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना जानते थे।
पीटर लेमी सुयर जो कि फॉर्मल कैम्ब्रिज लिंग्विस्ट और एक नास्त्रेदमस एक्सपर्ट्स हैं, ये नास्त्रेदमस पर बहुत सारी किताबें भी लिख चुके हैं। उनका कहना है कि नास्त्रेदमस कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, वो सिर्फ विश्वास रखते थे कि हिस्ट्री खुद को दोहराती है और वो अपनी भविष्यवाणी को लिखने के लिए एक बहुत ही प्राचीन टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जिसे कहते हैं बिब्लियोमेंसी। इसमें क्या होता है कि नास्त्रेदमस हिस्ट्री की कोई बुक उठाते और अपनी आंखें बंद करके रैंडमली उस किताब के पन्नों को पलट देते और तब उनके सामने जो लिखा होता उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके भविष्य का अंदाजा लगाते थे। फैक्ट नंबर 11, नास्त्रेदमस की जिंदगी से जुड़े कुछ अकाउंट्स ये कहते हैं कि 1 जुलाई 1566 की शाम को नास्त्रेदमस ने अपने सेक्रेटरी को ये कहा था कि तुम कल सूर्योदय के वक्त मुझे जिंदा नहीं पाओगे और हुआ भी ऐसा ही। 2 जुलाई की सुबह को नास्त्रेदमस अपने कमरे में मृत पाए गए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में कितना दम है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दीजिए एक स्वीट वाला लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए